नमस्कार, मैं सर डॉक्टर नेहा गुप्ता, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड सीनियर कंसल्टेंट, एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी। आज मैं, जैसे कि ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, आज हमारे साथ में मेरी एक बहुत पुरानी पेशेंट शबीना जी हैं, और इनका इलाज आज से मैंने 8 साल पहले किया था। ये 2016 में मेरे से मिली थी। उस समय इनको तकलीफ थी, ब्रेस्ट में गांठ थी। इनका फिर इलाज हुआ। इलाज ऐसे हुआ कि पहले सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी किया गया, उसके बाद रेडियोथेरेपी भी हुई इनकी। क्योंकि इनके हार्मोन पॉजिटिव थे तो इनको हार्मोन थेरेपी भी चल रही है, जो कि 5 से 10 साल तक चलती है ट्रीटमेंट के बाद। तो अभी इनका ये 8 साल हो गए हैं और ये अभी हार्मोन थेरेपी पर हैं, और ये समय पूर्ण रूप से एकदम स्वस्थ हैं। इनको कोई बीमारी नहीं है, अपने फैमिली के साथ में अच्छा टाइम बिता रही हैं। आइए इनकी जर्नी के बारे में इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि इनको क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ी, सोशल स्टिग्मा क्या होता है कैंसर, जब इनको पता चला तो इनके ऊपर क्या बीती। शबीना जी, आप अपने बारे में पूरे विस्तार रूप से बता सकते हैं, जिससे कि आपकी जैसी अन्य महिलाएं हैं जो इस रोग से पीड़ित होती हैं, जैसे कि आंकड़े कहते हैं 4 में 1 महिला अपने भारत देश में इससे पीड़ित होती है। आपने जो ट्रीटमेंट किया, आपको क्या क्या परेशानी हुई, आपको कैसे पता चला कि कैंसर हुआ, और उसके बाद आपकी मानसिक स्थिति क्या थी, फिर आपने अपने आप को कैसे संभाला, और आपका ट्रीटमेंट क्या क्या हुआ, वो आप स्वयं बताएं, अच्छा रहेगा। मैं 2016 में, मुझे दर्द नहीं था, मुझे एक बैग ऐसे एक दिन लगा, वहाँ टच हुआ हाथ, पता लगा कि कुछ गांठ जैसा है। फिर जांच हुआ उसका, आई, हम घबरा भी गए थे। फिर हम हॉस्पिटल आए, आपसे मिले, आपने बहुत हमें प्रोत्साहित किया, ठीक हो जाएंगी, ऑपरेशन हुआ, कीमो चढ़ा, बहुत ऊपर नहीं, मतलब कि फैमिली से ऐसे आते कि पैसे की हमें मजबूरी है। हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी, इनका ये कहना है कि इनके बाएं स्तन में गांठ थी, और ये एक्सीडेंटली इनको पता चला जब ये बहुत बड़ा हो चुका था। हाँ, तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसमें गांठ में दर्द नहीं था। तो अमूमन तौर पे जो कैंसर की गांठ होती है उसमें दर्द नहीं होता है, और दर्द तभी होता है जब वो काफ़ी बड़ी हो जाती है और बाकी के जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ब्रेस्ट में स्किन हो गया उसको इन्वॉल्व कर ले, या नीचे छाती से चिपक जाए, या निप्पल जो है वो ऊपर चढ़ जाती है, या आप जैसे ऑरेंज संतरे का जो छिलका होता है वैसे जब दबाते हैं तो जैसा उसका स्किन, जैसा उसका स्वरूप दिखाई देता है, जैसे गड्ढे गड्ढे से, तो उस तरीके की स्किन हो जाती है जब ये एडवांस स्टेज में होता है। ये इसीलिए ये बहुत कॉमन है कि महिलाएं जो हैं ये सोचती हैं कि ये गांठ है और दर्द नहीं कर रही है, तो हो सकता है ऐसी चोट वोट लगी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि 100 में से 90 गांठें कैंसर की नहीं होती हैं, लेकिन 10 होती हैं। अगर आपको कोई भी गांठ फील होती है तो आप अपने निकटतम कैंसर रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिले। दूसरा, शबीना जी, जब आपको गांठ के बारे में पता चला तो आपको डॉक्टर ने बताया कि पहले इसका ऑपरेशन होगा। हाँ। और उसके बाद, क्योंकि ऑपरेशन के लायक थी। जी, हाँ। कई गांठें ऐसी होती हैं कि जब वो बड़ी स्टेज में होती हैं तो ऑपरेशन के लायक नहीं हो पाती हैं अपफ्रंट, तो उसमें क्या करते हैं कि कीमोथेरेपी हम लोग पहले देख के उसको छोटा करते हैं, छोटा करने के बाद फिर उसको ऑपरेशन के लिए लिया जाता है। तो आपका पहले ही, क्योंकि गांठ बड़ी थी लेकिन वो और कहीं नहीं फैली हुई थी, सिर्फ खाली स्तन तक सीमित थी और चिपकी हुई भी नहीं थी नीचे छाती से या फिर स्किन से, तो आपका ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने किया। हाँ। और उसके बाद आपको फिर मेरे पास भेजा। हाँ, नेहा मैम के पास, मेरे पास भेजा था इन्होंने, डॉक्टर ओपी प्रजापति सर्जन है, उन्होंने हमारे पास भेज दिया इनको बाकी के फॉलोअप अदर ट्रीटमेंट के लिए। जब आपको कीमोथेरेपी लगी तो आपको कीमोथेरेपी के बारे में क्या आप समझे कि क्या है ये कीमोथेरेपी? से मुझको बहुत आराम मिला। कुछ दिन, 2-4 दिन परेशानी होती है, उल्टी उल्टी, उसकी दवा मिल जाती है, और उसके बाद से फिर जब वो 2-3 दिन तक बाद, उसके बाद से फिर आराम हो जाता है। इसी तरह मुझको 8 कीमो उधर पहले लगा था, फिर उसके बाद भी कई कीमो चढ़े, उससे मुझे बहुत आराम है।
दवाइयाँ भी खाती हूँ, फिर सिकाई भी हुआ, सिकाई में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। कीमोथेरेपी जो दवा कैंसर के लिए नस के द्वारा दी जाती है उसको कीमोथेरेपी कहते हैं। आम धारणा है कि ये बहुत खतरनाक है, इससे बाल झड़ जाते हैं, उल्टी आती है, कमज़ोरी आती है और वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, ये सब बातें एकदम सही हैं, ये सब होता है, लेकिन ये कंट्रोल्ड वे में होता है और हम लोग को मालूम होता है कि ये सब साइड इफ़ेक्ट्स नोन है और लगभग किस टाइम पीरियड पे होंगे। तो पहले से ही मरीज को आगाह कर दिया जाता है कि ये सारी परेशानियाँ आपको हो सकती हैं, उसके लिए पहले से दवा दी जाती है। बाल झड़ते हैं लेकिन जब कीमोथेरेपी ख़त्म होती है उसके बाद बाल पूरे तरीके से आ जाते हैं। शबीना जी, आपके भी बाल पूरे आ गए हैं। दो बार झड़ा, दोनों बार इनके बाल वापस। तो बाल पूरे तरीके से वापस आते हैं। तो महिलाओं को ये बहुत कंसर्न रहता है कि मैं कीमोथेरेपी लगाऊंगी तो मेरे बाल चले जाएंगे ये, लेकिन अगर जान है तो जहान है, तो ये बात चरितार्थ होती है इस मामले में। अगर आप हैं तो आपके बाल भी आगे आ जाएंगे। तो कीमोथेरेपी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि कीमोथेरेपी आवश्यक है तो उसको ज़रूर लगवाना चाहिए। उसके बाद आपकी कितनी सिकाई हुई थी? सिकाई मेरे 30 दिन की सिकाई हुई थी। हाँ, इनकी मैंने 30 दिन की सिकाई करी थी। अमूमन पहले जब इनकी सिकाई हुई थी 8 वर्ष पहले तब 25 सिकाई होती थी और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती थी तो 5 सिकाई और हम लोग एक्स्ट्रा देते हैं डिपेंडिंग कि इनकी डिजीज स्टेटस क्या है। तो लेकिन अब जो है जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है अब 25 सिकाई से रिड्यूस होके 15 सिकाई हो गया है और जिनका स्तन नहीं निकलता है तो उसमें बूस्ट भी दिया जाता है, वो अनदर 5 fractions of। तो टोटल 5, 15 से 20 सिकाई अब होती है। इनके केस में जो कि 8 साल पहले था तो पूरे 25+5 रेडिएशन इनके हुए थे और हफ्ते में 5 रेडिएशन होते हैं, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, शनिवार रविवार नहीं होता है। तो इस तरीके से इनके 5 से 6 हफ्ते रेडिएशन का ट्रीटमेंट होता है। क्या आपको कुछ जलन लगता था सिकाई जब आप लेटते थे मशीन में? नहीं, कोई जलन नहीं है। मशीन पे लिटा दिया जाता है, एक मशीन पास में आती है, आप लेटे रहिए, सारा काम मशीन का आपको थोड़ा भी एहसास नहीं होगा या हमको जलन हो रहा है या कुछ परेशानी है। जितना भी उसका टाइम रहता है सिकाई का, बस उसी तरह आप लेटे रहिए जैसे लगता है सोए हैं, उसके बाद से आपको तो आपको कोई तकलीफ नहीं कोई तकलीफ। और लगभग कितने देर आप मशीन पे लेटते थे? मुश्किल से 10 मिनट तक। बेसिकली आम धारणा है कि सिकाई का मतलब है कि हमको मेरी स्किन जल जाएगी, ये बहुत कॉमन है और अभी तक कॉमन है, जबकि मैं बार बार ये अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि सिकाई का मतलब ये नहीं है कि गर्म लोहे से या सलाखों से सिकाई हो रही है, ये एक तरीके की विकिरण चिकित्सा है हिंदी में अगर बोला जाए तो, और अंग्रेजी में इसको रेडियोथेरेपी कहते हैं, रेडिएशन। ये वही एक्सरेज हैं जिनसे आपका छाती का एक्सरे होता है या सीटी स्कैन होता है या एमआरआई होती है। बस इनकी जो पावर है वो इंक्रीज कर दी जाती है, जो कि कैंसर के जो कीटाणु हैं, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक जो सूक्ष्म कैंसर के सेल्स हैं जो आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको ख़त्म किया जाए। तो सिकाई का मतलब ये नहीं कि आपको जलाया जाएगा, जैसे कि इन्होंने बताया कोई परेशानी नहीं होती है। और हमारे यहाँ जो मशीन है एपेक्स हॉस्पिटल में वो लेटेस्ट मशीन है, हर तरीके की टेक्नोलॉजीज सुविधाएँ अवेलेबल है और कोई किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो शबीना जी, जब आपका रेडिएशन ख़त्म हो गया उसके बाद फिर आपको एक टैबलेट शुरू करी गई थी। रेडिएशन में आपने बताया कि आप बहुत निम्न परिवार से आती हैं, तो आपको पैसे की कोई दिक्कत थी, तो आपको कैसे एपेक्स हॉस्पिटल ने हेल्प करी? पैसे की मुझे पहले दिक्कत थी क्योंकि मेरे पास कार्ड नहीं बना था, उस समय तो 80,000 का सिकाई होता था, उसमें मैं उसमें सक्षम नहीं थी। फिर मैंने आपसे बात की, मैं इसके लिए राजी भी नहीं थी कि मैं इतना पैसा कहाँ से दे पाऊँगी। आपने उसको आधे से आधे करके मेरी 15-16 हज़ार में सिकाई आपने करवाई, इसके लिए मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ। ऐसा था कि 8 साल पहले जब ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता था तो, और सीएम फंड से जो पैसा आता है वो भी उस समय सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ये मरीज ठीक होने वाली थी, इनका ऐसा कैंसर फैला हुआ नहीं था, तो हम लोग का एपेक्स हॉस्पिटल में ये एक पॉलिसी है कि कोई भी मरीज आता है तो उसका इलाज अधूरा नहीं छूटना चाहिए। फिर किसी भी तरीके से यहाँ का प्रशासन जो है
हर तरीके से मदद करते हैं, और इनका रेडियोथेरेपी यहाँ के एपेक्स हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन का ही सहयोग था कि मैं भी अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट यहाँ पे कम्प्लीटली हो पाया इनका। उसके बाद आपको एक टैबलेट चल रही थी, अभी तक वो चलती है, अभी तक चल रही है, और आप बिल्कुल इस समय स्वस्थ हैं और अपने परिवार के साथ में एकदम खुश हैं। आप कुछ बताना चाहेंगी बाकी अपने दर्शकों को कि आप कैंसर से हैं तो क्या छुआछूत की बीमारी है, आप अपने बच्चों से बात नहीं करती हैं या ऐसा कुछ नहीं है? कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। आपको ऐसा लगता है बच्चों से मिल के रहिए, बात करिए, हंसिए, बच्चों का एहसास मत दिलाई कि नहीं मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है इस कैंसर से, इसका इलाज है। बच्चों से मिलिए, बात करिए, डॉक्टर से पूरा खुल के बताइए इसका इलाज है। पहले जैसा नहीं है कि इंसान बीमारी हो गई है तो वो जीवित नहीं रहेगा, अभी भी जीवित तो रह सकता जी। तो ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, जैसा कि शबीना जी ने बताया, ये अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहती हैं, अपने बच्चों के बीच में रहती हैं, उनके साथ में हंसती बोलती खाती और जो नॉर्मल एक तरीके से व्यवहार होता है वैसा करती हैं। कुछ और संदेश अपने माध्यम से दर्शकों को देना चाहेंगी? संदेश देना चाहती हूँ कि इसमें कोई खतरा नहीं है, आप पूरा इलाज कराइए, डॉक्टर से मिलिए। जैसे मेरे को मैडम ने उत्साहित किया था, मैं एकदम टूट चुकी थी, फिर मैं इनसे मिलती गई मिलती रही, मैडम ने मेरी बहुत सहायता की, आप भी इलाज कराइए अगर ऐसा आपके आसपास है या आपके घर में है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जैसा कि हमारे पेशेंट हैं लगभग 8 साल से हमारे साथ में हैं और बराबर मेरे फॉलोअप में रहती हैं, कैंसर हर मरीज को फॉलोअप में रहना आवश्यक है। मैं यही कहना चाहूँगी अपने दर्शकों से कि किसी भी प्रकार की अगर आपको गांठ होती है तो अपने निकटतम कैंसर रोग विशेषज्ञ से मिलें। कैंसर लाइलाज नहीं है, अगर ये अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाए तो पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। आप इसके लिए एपेक्स हॉस्पिटल में पूरी सुविधाएँ हैं, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो रेडियोथेरेपी हो, कीमोथेरेपी हो, हार्मोन थेरेपी हो, या फिर टारगेटेड थेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी, तो ये सारी सुविधाएं एपेक्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं।